नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 11 का अकाउंट चालू कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे। और चैप्टर नंबर 1 का बच्चों हम पढ़ा रहे थे पारिभाषित शब्द। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों प्राप्त बट्टा, दिया बट्टा, उसके बाद बच्चों घिसाई, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दुबर तरुण, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों साहूकार, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर दिवालिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उधार जमा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे खाता। मतलब इन शॉर्ट आज ये चैप्टर आपका बच्चों पारिभाषिक शब्द पूरा हो जाएगा, और पूरा डिटेल में समझाऊंगा, सब चीज़ें समझाऊंगा। बच्चों प्राप्त बट्टा मतलब डिस्काउंट रिसीव, बड़ा डिस्काउंट के बारे हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट के बारे में समझाया था। डिस्काउंट के दो प्रकार थे, वो भी मैंने बताया था, प्राप्त बट्टा सॉरी यहाँ पर रोकड़ बट्टा और व्यापारी बट्टा के बारे में हमने डिस्कस किया था, डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया था, और उसके सारे एग्जांपल वगैरह भी मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे प्राप्त बट्टा क्या होता है और दिया बट्टा क्या होता है। ध्यान से समझना बच्चों, आपका एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर मैं बात करूँ बच्चों प्राप्त बट्टा डिस्काउंट रिसीव, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो बच्चों। क्या लिखा हुआ परिभाषा, व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाए, किसके पास से खरीद रहे हैं, व्यापारी के पास से माल खरीद रहे हैं, और व्यापारी को चुकाने पात्र रकम अगर कम चुकाना हो तो जितनी रकम कम चुकाई जाती है उसी को हम प्राप्त बट्टा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ बच्चों, और एग्जांपल के माध्यम से मैं यहाँ पर समझाऊंगा, और स्क्रीन पे सामने बच्चों आपको यहाँ पर एक स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा हो, उस चित्र के माध्यम से अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर बात करूँ बच्चों प्राप्त बट्टा, मान लो मेरे पास एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, उसके अंदर कपड़े वगैरह बिक रहे हैं, ठीक है, तो मान लो ये रमेश है, ठीक है, तो रमेश भाई कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये जिस व्यापारी के पास से अगर कपड़े खरीदेंगे, जैसे मान लो सुरेश नाम का एक लड़का है, उसके पास से कपड़े खरीद रहे हैं, तो उसके पास से खरीद रहे हैं मतलब मान के चलो ये 10,000 में खरीद रहे हैं, ठीक है, 10,000 में खरीद रहे हैं, और बच्चों 10,000 में खरीद रहे हैं, लेकिन 10,000 ना दे करके इन्होंने दे दिया 9,800, मतलब 200 रुपया इनको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, मतलब 200 रुपया इन्होंने कम चुकाया ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राप्त बट्टा, मतलब इनको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। या हम किसी भी दुकान पे जाते हैं कपड़ा वपड़ा लेने के लिए, तो वहाँ से हम लोग क्या मांगते हैं, डिस्काउंट मांगते हैं, भैया थोड़ा डिस्काउंट कर दो, थोड़ा डिस्काउंट कर दो, तो वो जो डिस्काउंट मिलता है ना, वही हमारे लिए क्या होता है, कपड़ा बच्चों प्राप्त बट्टा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है बड़ा, बाल किशन एक दुकान पर टी शर्ट खरीदने गए, तो उन्हें एक टी शर्ट पसंद आ गया, वह टी शर्ट 600 रुपये की थी। बालकिशन ने दुकानदार को कहा कि 500 रुपये में दिए, जो बालकिशन सर ने लाभ लिया, और उसे अब कहेंगे प्राप्त बट्टा। टी शर्ट कितने का था, 600 रुपये में, और लाए कितने में, 500 रुपये में, कितने रुपये का बट्टा मिला, 100 रुपये का बट्टा मिल गया, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट उन्हें मिल गया, वो होता है प्राप्त बट्टा। आगे बात करते बच्चों दिया बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट अलाउ, व्यापारी के द्वारा माल बेचा गया हो और व्यापारी को प्राप्त रकम में से कुछ रकम कम मिलने वाली हो, जितनी रकम कम मिलने वाली हो उसे हम क्या कहेंगे, दिया बट्टा। जैसे कि मान लो बच्चों तुम एक दुकानदार हो, तुम कोई सामान को बेच रहे हो, ठीक है, सामान बेच रहे हो, अब सामान बेच रहे हो मतलब मान के चलो तुम 800 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन तुमको सामने वाला भाई आपको दे रहा है 600 रुपया, मतलब 200 रुपया यानी कम मिल रहा है, वो 200 रुपये जो कम मिल रहा है ना बच्चों, वही आपका क्या हो जाएगा, दिया बट्टा। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, प्रिंस एक छोटा सा व्यापारी है जो सत्यम सर के पास गया, वह कपड़े ढगला लेकर आ गया, और सत्यम सर बड़े व्यापारी, उन्होंने 9,000 मतलब कि 10,000 का उस कौन प्रिंस लेकर आया, और उसने सत्यम सर ने 9,000 रुपया दिया, तो जो बड़े व्यापारी ने 1,000 रुपया नुकसान हुआ ना, उसे हम क्या कहेंगे, दिया बट्टा। मतलब प्रिंस मेरे दुकान पर आया, कपड़े लिया ढगड़ी में, और 10,000 का प्राइस था, लेकिन प्रिंस ने मुझे सिर्फ 9,000 रुपया दिया, मतलब 1,000 रुपये का नुकसान मुझे हो गया, तो मुझे 1,000 रुपये का जो नुकसान हो ना बच्चों, वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, दिया बट्टा, कि मैंने सामने वाले को बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया,
ठीक है। चलिए आगे बात करता हूँ बच्चों घिसाई। घिसाई में आपको डिटेल में समझाता हूँ बच्चों। स्क्रीन पे बच्चों यहाँ पर दो चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक चित्र देखो बच्चों, मशीन जो है बड़ा एकदम नवा का नवा दिख रहा है, और उसके सामने दूसरा मशीन देखोगे तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि नया वाला मशीन जो है उसकी घिसाई नहीं हुई है, लेकिन पुराना मशीन ज़्यादा चलाने से या यूज़ करने से वो पुराना हो गया। जो पुराना हो जाता है ना बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, घिसाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए तो घिसाई की प्रॉपर परिभाषा यहाँ पर पढ़ते क्या लिखा हुआ है। प्रतिवर्ष संपत्ति की कीमत में निर्धारित दर कमी की जाती है, और जितनी रकम कम की जाती है उसे हम घिसाई कहते हैं। अरे हर साल भाई इसकी प्राइस कम होती जाती है बड़ा। अब सामान मान लो यार, ये पेल्सिन है, ये पेल्सिन जब नया लाया था तब देखो कैसा लग रहा था, और अभी पुराना हो गया है तो ये पेल्सिन की क्या हो गई, घिसाई हो गई। और जितना ज़्यादा इसको घिसाई करते जाओगे, जितना ज़्यादा इस पेल्सिन को यूज़ करोगे, उतना करते करते ये छोटा हो जाएगा और पेल्सिन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, घिसाई हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल वगैरह पढ़ना पड़ा तो यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकती हो। अगर मैं बात करूँ डूबर टू बच्चों बेडअप, यहाँ पर चित्र के माध्यम से बच्चों आपको बेडअप भी समझ में आ जाएगा, पर फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेडअप का मतलब क्या होता है। जब धंधा के द्वारा उधार माल का विक्रय किया जाता है, जब धंधा के द्वारा उधार माल का विक्रय किया जाता है, तब जिसको उधार माल बेचा है ना वो उसका क्या कहलाएगा, देनदार। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ दूसरा, धंधा के द्वारा निर्धारित प्रयत्न करने के बाद भी कुल रकम में से जितनी रकम वसूल नहीं हो पाती है उसे हम क्या कहते हैं, डूबत्व। क्या लिखा है, धंधा के द्वारा निर्धारित प्रयत्न करने के बाद भी कुल रकम में से जितनी रकम वसूल नहीं हो पाती है उसे क्या कहते हैं, डूबत्व। जैसे मान लो बड़ा, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ बड़ा। मेरे पास एक दुकानदार है बड़ा, एक दुकानदार हूँ मैं, कपड़ा वपड़ा वगैरह बेच रहा हूँ। और भाई एक प्रिंस नाम का एक लड़का आया, उसने कपड़ा लिया और उसने तुरंत पैसा दे दिया मुझे, रोकड़ में पैसा चुका दिया। और एक दूसरा बंदा आया जय नाम का लड़का, वो आया मेरे पास कपड़ा वपड़ा खरीदा, पर उसने पैसा मुझे नहीं दिया, उसने बोला मैं बाद में पैसा दे दूंगा। ठीक है, और इसकी प्राइस जो हो रही थी बड़ा वो 10,000 रुपया हो रही थी। ठीक है, बाद में इसने मुझे पैसा कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया इसने मुझे पैसा रिटर्न किया, और बचा कितना, मतलब 5,000 रुपया इसने मुझे पैसा अभी तक नहीं दिया और ना ही देने वाला है। तो पैसा आप नहीं देगा, पैसा नहीं देगा इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 का मेरा क्या हो गया बच्चों, नुकसान हो गया। मतलब वो 5,000 रुपया मुझे नहीं मिलने वाला है, तो मतलब वो पैसा मुझसे वसूल नहीं होगा। तो मतलब वो पैसा क्या हो जाएगा बच्चों, डूबत ऋण हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, पैसा डूब गया मेरा, अब पैसा मिलने वाला नहीं है। मतलब जो पैसा डूब जाता है, जो पैसा किसी को देने के बाद दोबारा पैसा ना मिले, तो समझ जाना बच्चों वो डूबत ऋण है, वो आपका पैसा डूब गया है, पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आई होप डूबत्रों भी आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। चलो बच्चों अब बात करते हैं साहूकार, सॉल्वेंसी। साहूकार किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा IMP एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से सीखना। जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी नियमित रूप से चुकाता हो, जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी को नियमित रूप से चुकाता हो उससे संपत्ति को दायित्व का अधिक होता है। जिसकी संपत्ति उसके दायित्व से अधिक होता है तो उस व्यक्ति को हिसाबी भाषा में साहूकार कहते हैं। मतलब साहूकार मतलब उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वो हर महीने, हर समय, हर साल, हर हफ्ते, हर दिन वो पैसा चुकाता रहता है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता रहता है, मतलब इसका कंडीशन बहुत अच्छा है, तो ये साहूकार होगा। ठीक है, जैसे बड़ा चित्र के माध्यम से बड़ा यहाँ पर चित्र दिख रहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो नियमित रूप से चुका रहा है जिसकी कंडीशन अच्छी है, एक व्यक्ति ऐसा है जो नियमित रूप से पैसा नहीं चुका रहा है, और जो नियमित रूप से पैसा चुका रहा है वो साहूकार है, और जो नियमित रूप से नहीं चुका रहा है वो दिवालिया हो जाएगा, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए। तो जहाँ पर देखो बच्चों दिवालिया का भी यहाँ पर देख लो, दिवालिया का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति अपना वित्तीय दायित्व नियमित रूप से ना चुकाता हो उसे हम क्या कहेंगे, दिवालिया कहेंगे। साहूकार क्या होता है, जो व्यक्ति अपना वित्तीय दायित्व नियमित रूप से चुकाता है वो साहूकार। और दिवालिया का मतलब जो व्यक्ति अपना वित्तीय दायित्व नियमित रूप से ना चुकाता हो उस व्यक्ति को हिसाबी पद्धति में हम दिवालिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है,
और दूसरा कंडीशन यहाँ पर, वो दिवालिया हम तब तक घोषित नहीं कर सकते जब तक अदालत व्यक्ति को दिवालिया घोषित ना किया जाए, तब तक उस व्यक्ति को हम दिवालिया नहीं कह सकते हैं। दिवालिया कब कहेंगे, जब तक अदालत उसे ये नहीं कह सकती है कि इसको दिवालिया हो गया है। दिवालिया का मतलब क्या हो गया, बर्बाद हो गया है, पैसे नहीं है, पैसे किसी को दे नहीं पा रहा है, ठीक है, किसी का पैसा उधार लिया है पर वो पैसा नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, दिवालिया हो गया है, ठीक है। तो यानी कि उसके पास पैसा नहीं, उसको बोलेंगे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा कि भाई इसके पास पैसे नहीं, ये पैसा रिटर्न नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए चलिए बड़ा। तो यहाँ पर बड़ा एग्जांपल देखो, मैं समझाता हूँ। अनिल अंबानी ने लोन लिया, लेकर के मान लो 10 करोड़ का उन्होंने एक बंगला गाड़ी खरीदा, बंगला और गाड़ी खरीदा, ठीक है, परंतु अंबानी ने लोन वाले को पूरा लोन नहीं चुका सका, तो लोन वाले की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। मतलब समझ लो क्या हो जाएगा, दिवालिया, क्योंकि जो अनिल अंबानी बड़ा वो पैसे नहीं भर पा रहे, वो लोन नहीं भर पा रहे, इस वजह से वो क्या कहलाएंगे, दिवालिया घोषित किया जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों उधार और जमा। उधार और जमा बच्चों एक क्या क्या होता है, एक तरीके का अकाउंट होता है, देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का अकाउंट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हिसाबी पद्धति में पाया दो शब्द के होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली मतलब दुई लेखानामा पद्धति, दूसरा प्रत्येक व्यवहार दोहरी असर होते हैं। हर एक व्यवहार के कितने असर होते हैं, दो असर होते हैं, एक होता है उधार तो दूसरा क्या होता है, जमा। बाई और हिसाबी पद्धति की ओर क्या लिखा जाता है, उधार पक्ष। देखो टेबल में देखो बेटा, जो आकृति दिख रही है उसके बाई साइड देखो बच्चों, वहाँ पर उधार लिखा होगा और दाई साइड देखोगे तो वहाँ पर जमा लिखा होगा, ठीक है। तो इसे बड़ा अच्छी तरीके से समझना बड़ा, उधार और जमा, जो आगे आपके चैप्टर नंबर 2 में काम आने वाला है। और अगर बात करो बच्चों खाता क्या होता है, तो स्क्रीन पर देखो दिखाई दे रहा होगा, खाता इसको कहते हैं। क्लियर हो गया, तो आई होप खाता इस तरीके से बनाया जाता है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है वो क्या होता है, एक तरीके का खाता होता है बच्चों। तो ऐसे ही खाते आपको बड़ा आपको याद रखना है और ऐसे ही खाते आपको हर समय बनाना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर खाते का एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, संबंधित वस्तु या व्यक्ति से जुड़े हुए तमाम व्यवहार के हिसाबी बहिया एक ही स्थान पर लिखे जाते हैं और सारांश भी जाना जा सके, या उसे कहते हैं खाता, मतलब एक ही जगह पे लिखा जाता हो और उसके खाते के सारी जानकारी उसी के अंदर होता हो, उसे हम क्या कहेंगे, खाता। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है, हिसाबी तैयार करने की पद्धतियाँ कितनी, तो हिसाब तैयार करने की बच्चों पद्धति है दो, एक है देसी नामा पद्धति जिसे कहते हैं भारतीय महाजनों प्रणाली, दूसरा है दुई लेखा नामा प्रणाली, दुई लेखा नामा प्रणाली जिसे नाम है दुई नोधी नामा पद्धति के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे परिभाषित शब्द को टॉपिक खत्म कर दिया है और आई होप बच्चों मेरे सारे चीज़ें आपको समझ में आ गया है। और कुछ चीज़ में अगर आपको डाउट लग रहा है या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत बच्चों तुरंत मुझसे पूछो कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इसको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके आपको समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों मेरा वीडियो मेरा लाइव मुझे आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को एक लाइक करो, ठीक है। तुम्हारे एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता हूँ और मोटिवेट होकर के बच्चों मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला पाऊँगा। और इसके बाद बच्चों मुझे ये बताओ कौन से चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट करके मुझे बताओ कौन से चैप्टर की वीडियो आप लोगों को चाहिए और जिस चैप्टर का कमेंट सबसे ज़्यादा होगा उस टॉपिक पर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों बाकी का आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।